गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर साइंस पीरियड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 5 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो पिछले पीरियड में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लस्टर के बारे में स्टडी कर लिया था, फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी कर लिया था, रफनेस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम हार्डनेस से स्टडी करेंगे। हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑन विच मटेरियल आर क्लासिफाइड। तो किसी भी चीज के क्लासिफिकेशन के लिए हम उसको उसके हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बीइंग स्ट्रेच्ड इज नोन एज इट्स हार्डनेस। रिमेंबर, हार्डनेस इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। व्हेन द सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर द सरफेस विच स्क्रेचेस इज सेड टू बी हार्ड। तो जब दो अलग अलग सरफेसेस को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, उनके बीच में जो स्क्रेचेस आते हैं उसे हम कहते हैं हार्डनेस। कन्वर्सली द सरफेस विच गेट्स स्क्रेच्ड इज सेड टू बी सॉफ्ट एज कंपेयर टू द स्क्रेचिंग सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि जिस सतह के ऊपर स्क्रेच आ जाता है वो सॉफ्ट होती है कंपेयर देन जिसकी वजह से उसके ऊपर स्क्रेच आया है। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। मेनी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वॉटर वेरियस अदर आर नॉट। आपको पता है बहुत सारी चीजें पानी में घुलती है लेकिन कुछ कुछ नहीं भी घुलती है। बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी मटेरियल कैन बी सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, मिजिबल और इमिजिबल। नाउ टर्न ओवर द पेज। तो वो मटेरियल जो पानी में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोल्यूबल मटेरियल। और जो चीजें नहीं घुलती है उन्हें हम इनसोल्यूबल मटेरियल कहते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट पानी में घुल जाती है लेकिन सैंड पानी में नहीं घुलती। लिक्विड दैट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड। वो लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं उन्हें हम मिजिबल कहते हैं। जैसे पानी और दूध एक दूसरे में घुल जाती हैं तो वे मिजिबल हैं, लेकिन वो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होती, घुलती नहीं है, उन्हें हम इमिजिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे वाटर एंड ऑयल। सम गैसेस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। आपको पता है जो एक्वेटिक प्राणी रहते हैं वो पानी में से ही ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्टेन डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें क्या होता है? डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो नाइट्रोजन, मीथेन ये सब गैसेस जो है वो डिजोल्व नहीं होती हैं। चीजों को फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के आधार पर भी हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। कुछ चीजें फ्लोट करती हैं और कुछ चीजें सिंक करती है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिसाइडेड वेदर इज फ्लोट और सिंक इन वाटर। किसी भी चीज का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, उसी से डिसाइड होता है कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीज सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। तो किसी भी मटेरियल का जो दिए गए वॉल्यूम में जो उसका अमाउंट ऑफ मास होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। डिफरेंट मटेरियल ऑल्सो अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। तो अलग अलग चीजें जो है अपने अंदर से लाइट की मात्रा को अलग अलग तरीके से पास होने देती है, कम ज्यादा में, डिपेंडिंग ऑन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और इस प्रॉपर्टी को क्या हम कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो मटेरियल को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट और ओपेक्यू के आधार पर भी डिफरेंटिएट किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो वो मटेरियल जो अपने आसपास आर पार रोशनी को जाने देती है उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा। वो मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देती है उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक्यू मटेरियल। लेकिन वो मटेरियल जो पार्शियली जाने देते हैं लाइट को, दैट मीन्स कुछ मात्रा में जाने देते हैं, उन्हें हम ट्रांसलुसेंट मटेरियल कहते हैं। जैसे ट्रांसलुसेंट मटेरियल में बटर पेपर आएगा, फ्रोस्टेड ग्लास आएगा, उसी तरीके से ओपेक्यू मटेरियल क्या है? वुड, कार्डबोर्ड, मेटल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। आपको पता है कुछ चीजें जो कि आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक
सब्सटेंस। और इस विशेषता को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो चीजें आयरन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। यू हैव नोटिस द यूटेंसिल्स इन योर किचन, यू माइट हैव सीन दे आर मेड ऑफ मेटल बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। आपने देखा होगा घर में जो पैंस वगैरह होती हैं उसके इधर वाला पोर्शन तो मेटल का होता है लेकिन हैंडल किसका होता है? प्लास्टिक या वुड का होता है। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की, जबकि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। तो वो मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर होने देती है या अपने अंदर से फ्लो होने देती है उसे हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, और जो नहीं होने देती उन्हें हम इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने देती है और कुछ चीजें नहीं होने देती है। तो ऐसी चीजें जो अपने अंदर से बिजली को प्रवाहित होने देती है उन्हें हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जो नहीं होने देती हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मेटल, सम एलॉय, एसिड्स एंड अल्कलीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस पेपर, रबर, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपका वर्क क्या है? आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ फिल करना है और उसका पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो पेज नंबर 69 में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हम उनके आंसर्स लिखेंगे ई नंबर के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लस्टर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट पोजेस लस्टर। So, luster is the shine of a material. Example, gold, steel and silver. Next question kya hai? Differentiate between soluble and insoluble material. So, answer will be soluble material. The solid material that dissolve in water are called soluble material. Insoluble material, those which do not dissolve in water are called insoluble material. Example of soluble material kya hai? Common salt. और इनसोल्यूबल मटेरियल के एग्जांपल है सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट आल्सो हैव अ फ्यू कॉमन प्रॉपर्टीज, लिस्ट थ्री सच प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम क्या है? सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर लस्ट्रस, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। What is the next question? Classify the following as indicators and insulator: plastic, copper, wood, air, water, silver, aluminium, mercury, rubber and gloves. तो conductors क्या क्या है उसमें से? Copper, silver, aluminium and mercury. और insulator क्या है? Plastic, wood, air, water and rubber gloves. तो इन सभी question answers को आपको अपने science की copy में लिखना है and learn भी करना है. Have a nice day.